अगर आप ट्रिग्नोमेट्री से परेशान हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको समझ में नहीं आता कि साइन कॉस में कैसे चेंज हो जाता है, कॉस हमारा साइन में कैसे हो जाता है चेंज, सेक कोसेक में कैसे होता है चेंज, टेन कॉट में किस प्रकार से होता है, कौन सी वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होती है, कहां पर नेगेटिव होती है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आप इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक देखने की कोशिश करना। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी डाउट है वैल्यू कन्वर्जन का, वो सारा का सारा इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके सारी की सारी चीज़ें कराएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अब समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आपको लेके चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे चार क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। चार क्वाड्रेंट, तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा है थर्ड, थर्ड मतलब ये पूरा, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इस प्रकार से हम लोग एक्सिस को, अक्षों को चार भागों में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि हम एक्स एक्सिस को ये जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर जो ये हॉरिजेंटल होगी इसको एक्स एक्सिस कह लीजिए, इसको हम लोग कह लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको ये समझना है, देखिए एक्स एक्सिस पर राइट हैंड साइड में हम लोग जीरो मान लेते हैं, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री और ये हमारा 270 डिग्री। इनकी पाई रेडियन में ये वैल्यू लिखी हुई है, पाई बाई टू होता है, ये हमारा पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये हमारा 2π होता है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ये वैल्यू 0 और 2π दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बताएं, देखिए पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें आपको ऑल पॉजिटिव लिखने हैं, इसमें आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारा, हम आपको बताते हैं, साइन थीटा पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का उल्टा रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, कोसेक, कोसेक भी हमारा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा, ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर हमारा टेन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। और इसमें हमारा सेक और कोसेक, यहाँ पर हमारा कोसेक, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती हैं। ये सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर पॉजिटिव कर लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉस, और उनका उल्टा उल्टा भी पॉजिटिव होगा।
अब हम चलते हैं, हम लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब वैल्यू कन्वर्जन की आती है बात। तो वैल्यू कन्वर्जन कैसे होता है, देखिए जैसे आपसे कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे होता है कॉस थीटा, अब हम आपको बताते हैं। देखिए जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल में इधर की साइड में ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या फिर आप इस तरीके से समझ लीजिए ये हमारा क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी के क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेके चलते हैं। अगर हम लोग ये क्लॉकवाइज में चलें, क्लॉकवाइज इस तरीके से चलेंगे तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, आपको सिंपल तरीके से समझना है। देखिए अगर हमारी एक्सिस पे कहीं पे भी कोई भी वैल्यू चेंज होने की बात करता है तो हमारा नो चेंज होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, पहला तो डायरेक्शन, दूसरा एक्स एक्सिस पर नो चेंज। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक्स एक्सिस के ऊपर नो चेंज, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस पर आप कहीं पे भी चलेंगे आपको कोई चेंज नहीं करना, साइन का कॉस नहीं करना, कॉस का साइन नहीं करना, बहुत सिंपल है बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, एक लास्ट पॉइंट आपको और दिमाग में रखना है, जब आप वाई एक्सिस के सापेक्ष चलेंगे या रेस्पेक्टिव चलेंगे तो आपका चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा। तो हम लिख देते हैं चेंज ओनली वाई एक्सिस। एक चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, एक्स एक्सिस के एलोंग जब हम चलेंगे नो चेंज, वाई एक्सिस के एलोंग चलेंगे तो चेंज की बात हमेशा वाई एक्सिस के एलोंग ही होगी। ये तीन पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री में जो ये कन्वर्जन वाला झंझट है ये कभी कोई झंझट रहेगा ही नहीं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो एग्जाम्पल के सहारे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलते हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90, साइन 90 का क्या मतलब है कि अगर आप एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर चलते हैं, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में चलते हैं तो आपका साइन 90 माइनस थीटा काउंट होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। देखिए ये हमारा हो गया कॉस थीटा। अब समझिए आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा। एक और ले लीजिए सिंपल तौर पर, 90 माइनस थीटा क्या चीज हो गई आपकी, कॉट थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको तीन वैल्यू समझाऊंगा, तीन से आप बाकी की तीन वैल्यू ऑटोमेटिक कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप समझिए, हमने आपसे कहा कि साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो ये क्यों चेंज हो रहा है। देखिए साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि वाई एक्सिस के अलोंग केवल चेंज होगा। जब भी इसकी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग, देखिए 90 माइनस तो साइन 90 का मतलब वाई एक्सिस हो गया,
तो वाई एक्सिस के अलोंग जब जो हम चुनेंगे तो साइन हमारा कॉस में हो जाएगा, कॉस हमारा किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, और टेन हमारा कॉट में हो जाएगा। पहली बात, साइन कन्वर्जन में हो गया, ये साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, ये कॉट में। तो पहली चीज हो गई इसमें रेशियोज कन्वर्जन हो गए। अब आती है दूसरी बात, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, साइन देखिए इसकी वैल्यू आपको चेक करनी है, ना कि इसकी, ठीक है, ये वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस वैल्यू को हमको चेक करना है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज होती है, पॉजिटिव। तो यहां पर कॉस आपका आएगा पॉजिटिव में। अब मैं इसी के साथ एक सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जांपल करके करवाता हूं इन्हीं तीनों को। यहां पर आप समझिए, देखिए यहां पर कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। देखिए साइन 90 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, टेन हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। अब आप समझिए, साइन हमारा कॉस में हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि हम 90 डिग्री के सापेक्ष चल रहे हैं। 90 डिग्री का मतलब वाई एक्सिस के सापेक्ष, देखिए यहां पर हम लोग 90 माइनस कर रहे हैं, यहां पर 90 प्लस कर रहे हैं, लेकिन है तो 90 के सापेक्ष। तो 90 के रेस्पेक्ट में जब हम चलेंगे, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में चलेंगे, तो ये वैल्यू हमारी साइन कॉस में हो जाएगी, कॉस साइन में, चेंज ओनली वाई एक्सिस, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आप समझिए, अभी हमने आपको दूसरी बात बताई थी, दूसरा पॉइंट ये था कि यहां हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो कौन से पॉजिटिव लेंगे, ये वैल्यू, क्योंकि इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी के अनुसार इसको कर लेते हैं। देखिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, पॉजिटिव, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या होगा, यहां कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहां पर कॉस ये पॉजिटिव का होगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब है, देखिए कॉस को आप चेंज कर रहे हैं, तो कॉस तो हमारा नेगेटिव होगा, साइन और कॉसेप को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे, यहां पर टेन और कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव होंगे, यहां पर कॉस और सेक को, कॉस और सेक हमारा चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है केवल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर कॉस हमारा क्या चीज होता है, कॉस यहां नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होता है, ठीक है, और सभी में, यहां तो सारे के सारे पॉजिटिव है, यहां पे केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है। आप एक दो बार वीडियो प्रॉपर तरीके से देखने की कोशिश करना, सब समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, टेन 90 प्लस थीटा, तो टेन का हो गया हमारा कॉट, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं, और टेन टेन हमारा होता है नेगेटिव, टेन हमारा होता है नेगेटिव, इसी प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये वैल्यू तो हो गई हमारी साइन की, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ हम लोग कोसेक की और ये इनके जो रेसिप्रोकल है उनकी भी कर लेते हैं। देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक हमारा किस में चेंज होगा, कोसेक हमारा सेक में चेंज होगा, सेक थीटा, ठीक है।
देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। जब हम साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर कोस का भी उल्टा हो जाएगा, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। ठीक है, अब देखिए कोस 90, कोस कोस का उल्टा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, ये चीज हमारी कितनी हो जाएगी, कोसेक थीटा। ये हमारा टेन 90 माइनस थीटा, ये टेन है तो इसको हम लोग कॉट कर लेते हैं। देखिए कॉट कॉट का हो जाएगा हमारा टेन थीटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से है। इसी प्रकार से आप इनको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए साइन का उल्टा हमारा कौन सा होता है, कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये प्लस है तो ये प्लस कर लीजिए, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक किस में हो जाएगा, सेक में। ठीक है, और ये सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा होता है हमारा कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा करेंगे। ठीक है, अब टेन टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये तो हमने कन्वर्जन कर दिया। अब इसमें वैल्यूज देख लीजिए आप, तो साइन वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होती है, तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो ये हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव आएगा, ये भी हमारा नेगेटिव। देखिए ये मैंने इसका कन्वर्जन यहां पर लिख दिया है, आप इसको उधर मत समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली चीजें हमने यहां पर लिख दी हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की हैं ये। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं। देखिए हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आपको समझा दिया है, इनमें और इनमें केवल साइन कॉस और टेन को ही कराएंगे, उसका उल्टा उसका रेसिप्रोकल आप लोग घर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये 90 प्लस थीटा वाली वैल्यू समझा दी आपको। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में ही 180 माइनस थीटा वाली वैल्यू को समझेंगे। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आप दो रास्ते से जा सकते हैं, एक रास्ता आपका ये है 90 से होते हुए, दूसरा रास्ता ये है कि अगर आप इधर की तरफ से चलेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा से भी आप चल सकते हैं इस तरीके से। तो जब आप इधर से चलेंगे तो 180 प्लस थीटा होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा के लिए मतलब जब आप इसको इधर क्रॉस करेंगे तो यहां से थोड़ा सा दूर पे आपका एक एंगल बनेगा, उस एंगल के लिए भी हम लोग वैल्यू चेक करते हैं कि ये वैल्यू किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग चलते हैं यहां। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा और टेन 180 माइनस थीटा। तो इस वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया
एक्स एक्सिस के अलोंग नो चेंज, जब भी हम एक्स एक्सिस की तरफ चलेंगे तो नो चेंज, चेंज हमारा केवल वाई एक्सिस में होगा, ठीक है, केवल चेंज हमारा वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर कौन सी आ रही है बात, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस से माइनस का थीटा कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा को जब हम यहां से करेंगे तो नो चेंज, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन का रहेगा हमारा साइन थीटा ही, कॉस का हमारा रहेगा कॉस थीटा, टेन का रहेगा टेन थीटा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो हमने आपको बताया केवल इनकी वैल्यू चेक करनी है, तो इनकी वैल्यू चेक करेंगे तो देखिए साइन हमारा पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट को भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर हम लिखते हैं साइन का उल्टा हो गया कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है तुम्हारा, देखिए कोसेक नो चेंज, तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा कोसेक थीटा, कोई चेंज नहीं होगा और कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस ये कोस की जगह पर सेक है, सेक, तो सेक हमारा कैसा होगा, नो चेंज, 180 माइनस थीटा नो चेंज, तो सेक का हमारा सेक ही रहेगा। अब एक और लिख लेते हैं कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट का माना कॉट ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए कोसेक हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन और कोसेक वो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अभी हम लोग आगे इसकी इन वैल्यूज को करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। अब इसके अलावा हम लोग सिंपल तरीके से करते हैं, यहाँ पर कितना होगा आपका साइन 180 प्लस थीटा, समझ में आ रहा है, 180 ये वाला एक्सिस है, इससे प्लस की तरफ चलेंगे आप, प्लस की तरफ चलने का मतलब यहां से इस तरीके से, यहां पर एंगल है आपका, ये आपका एंगल 180 प्लस थीटा होगा, ठीक है, बराबर साइन के बाद कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस के बाद टेन 180 प्लस थीटा। तो साइन हमने आपको बताया एक्स एक्सिस के अलोंग नो चेंज, तो यहां पर साइन हमारा नो चेंज होगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा नो चेंज, टेन टेन इसका क्या मतलब हो गया आपका टेन ही रहेगा। अब टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टेन हमारा पॉजिटिव, बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से आप इसका उल्टा वाला कर लीजिए, साइन का उल्टा कौन सा होता है कोसेक, तो कोसेक 180 प्लस थीटा, तो कोसेक है कोसेक, और सेक 180 प्लस थीटा, और कॉट 180
प्लस थीटा, कोसेक का उल्टा कितना, देखिए कोसेक होता है हमारा साइन का उल्टा, तो जो साइन का होता है साइन, तो कोसेक का भी कोसेक रहेगा, नो चेंज, कोसेक सेक का सेक, कोट का कोट, नो चेंज, एक्स एक्सिस के अलोंग नो चेंज, ठीक है। अब आती है साइन की वैल्यू, तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन इसमें चेक करना है, तो टेन और कोट पॉजिटिव है, हमने टेन को पॉजिटिव लगाया और ये कोट भी पॉजिटिव होगा, इसके अलावा ये सारे के सारे नेगेटिव, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत सिंपल है। देखिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 180 प्लस थीटा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग नो चेंज, तो साइन का साइन में रहेगा कोई चेंज नहीं, कॉस का कॉस में ही रहेगा, टेन का टेन में ही रहेगा। अब इसी प्रकार से कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, कोट का कोट, नो चेंज, ठीक है। अब आती है वैल्यू कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट हमने पॉजिटिव कर दिए, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके आगे अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखिए इस वाले क्वाड्रेंट में चलने से पहले हम आपको एक बात बताएं कि इस क्वाड्रेंट में भी एक वैल्यू और छूट रही है, कौन सी, जिस तरह से हमने इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में किया था 180 माइनस थीटा, इसी तरीके से यहां पर आप इस क्वाड्रेंट में 270 माइनस थीटा से भी करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको नोट करिए और हम इसके आगे 270 माइनस थीटा को लेके चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग चलते हैं 270 माइनस थीटा, तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, एन 270 माइनस थीटा, इस प्रकार से ये वैल्यू हो गए। अब आप समझिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग 270 के अलोंग चल रहे हैं, 270 के सापेक्ष चल रहे हैं, तो 270 का मतलब कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। बात को बहुत ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछ ले आपसे, हर कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपको बच्चों जैसा लगेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए 270 माइनस थीटा, पाई एक्सिस के अलोंग चेंज होगा, तो साइन का किस में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, तो ये आपका साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा आपका कॉट थीटा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 270 के सापेक्ष, मतलब बाई एक्सिस के सापेक्ष, तो जब हम बाई एक्सिस के सापेक्ष चलेंगे, तो साइन का कॉस में हो जाएगा, कॉस का साइन में हो जाएगा, टेन का हमारा कॉट में हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसके साइन चेक करिए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये चीज पॉजिटिव है, टेन और कॉट, तो केवल टेन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होंगे, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इसी के जो और एंगल है उनको भी लिख लीजिए आप, यहां से साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक 270 माइनस थीटा,
sec 270 माइनस थीटा और n 270 माइनस थीटा बराबर देगी। अब आप समझिए cosec का किसमें होगा, y एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो cosec का हो जाएगा हमारा sec थीटा, cosec का हो गया हमारा sec थीटा, sec का हमारा क्या हो जाएगा cosec, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग चल रहा है और ये cot हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू चेक करनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखिए tan और cot पॉजिटिव, तो tan को हमने पॉजिटिव कर लिया, अच्छा ये हमारा cot है, cot cot है तो ये हमारा tan हो जाएगा, यहां पे ये गलती से लिख गया उससे कोई दिक्कत नहीं, cot हमारा पॉजिटिव होगा और ये दोनों हमारे नेगेटिव, ठीक है बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, कोई झंझट नहीं है, एक बार आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही एक बार में तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखने की कोशिश करना, कॉपी पर नोट कर लेना, बार बार समझना, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है इसको आप लोग नोट करिए। अभी हम अगले ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट को अभी और डिस्कस करना है, इसको डिस्कस करने के बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, फिर अगली वीडियो में हम आपके लिए इसके एग्जाम्पल कराएंगे जो कि बहुत सिंपल तरीके से होंगे, इसी पर आधारित होंगे, ठीक है नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग चलेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके सामने दो तरीके हैं, एक तो आप 270 प्लस थीटा से चलिए, तो यहां से चलते हैं साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा एन 270 प्लस थीटा। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग आप चल रहे हैं तो इसके अलोंग आपको चेंज करना पड़ेगा, तो साइन का हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा और टेन का हो जाएगा आपका कोट थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव ये आपको समझना है, तो जो कैसे समझेंगे आप, देखिए कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो आपका कॉस पॉजिटिव होगा उसके अलावा सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव, उसके अलावा सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, ठीक है। इसी का जो ये और रह गए हैं उनको भी लिख लीजिए, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 270 प्लस थीटा कोस, कोस का उल्टा होता है आपका सेक 270 प्लस थीटा और एन 270 प्लस थीटा, तो कोसेक का होता है आपका उल्टा सेक थीटा और ये सेक का होता है आपका कोसेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। बाई एक्सिस के सापेक्ष चल रहे हैं तो साइन कोस में हो जाएगा, कोस हमारा साइन में, टेन हमारा कोट में, तो यहां पर ये जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है क्योंकि y एक्सिस के सापेक्ष चल रहे हैं। अच्छा यहां पर भी हमने वही चीज लिख दी है, ये हमारा cot होगा और ये हमारा tan हो जाएगा। देखिए अब हमको समझना है
कि ये वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन सी होंगी, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, तो यहां पर सेक हमारा पॉजिटिव होगा, कॉस का पॉजिटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, ये तो हमारा साइन का होता है, तो ये उल्टा हो गया, उल्टा कर दीजिए इसको, माइनस कॉस एक का उल्टा सेक और नेगेटिव रहेगा, कॉस और सेक केवल पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस पॉजिटिव कौन सा, ये वैल्यू, सेक पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू, जिसको आप चेंज करेंगे वही वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहेगी। बहुत सिंपल है, आप इसको नोट करिए, समझिए। अभी हम आपको एक चीज इसमें और कराएंगे, ये नाइन, ये जो 270, ये 270 तो आपका हो गया, 360 माइनस थीटा, क्योंकि हम इस क्वाड्रेंट में इधर की साइड से चल सकते हैं और इधर से आ सकते हैं, तो इधर की साइड से हमारा एक एंगल और रह गया है, उसको भी हम करा देंगे। आप इसको नोट करिए अच्छे से, समझने की कोशिश करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमने किया था फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, अब हम लोग करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जब हम चलेंगे इस प्रकार से मतलब ये वाला एंगल जो हमारा होगा ये माइनस का थीटा होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग 360 माइनस थीटा कहते हैं या फिर माइनस थीटा, कुछ भी कह लीजिए आप, दोनों वैल्यू हमारी सेम होती हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इधर क्लॉक वाइज चलेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए साइन 360 माइनस थीटा, तो यहां पर क्या चीज होगी आपकी, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने आपको बताया नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, चेंज केवल वाई एक्सिस में होते हैं, एक्स एक्सिस में नो चेंज, तो साइन का हमारा रहेगा साइन, नो चेंज, कॉस का हमारा कॉस थीटा, टेन का हमारा टेन थीटा, कोसेक का होता है कोसेक थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉट का हमारा कॉट थीटा, कोई चेंज नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को समझना है, तो देखिए यहां पर हमने आपको बताया कि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, उसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव, तो कॉस हमारा पॉजिटिव और सेक हमारा पॉजिटिव, ठीक है, इसके अलावा ये सारी की सारी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा हमने, क्या समझा, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, इसी प्रकार से ये भी हमारे सेम रहेंगे, कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हैं तो ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप लोगों की अगर समझ में नहीं आए तो आप इस टॉपिक को बार बार देखने की कोशिश करें, दो तीन बार देख लेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आता, जीरो पे हैं आप, तब भी आपको ये एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पर नोट करके प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, जो एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल बैंक और रेलवे में बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी के साथ जय श्री राम और जय श्री राम।